होनी चाहिए, खासतौर से आप 63 मून स्टेक पर आ दीजिए, क्योंकि ये वनडे टाइप का मामला लग रहा है यहाँ पे जी। तो स्टॉक्स में 20% की अपर सर्किट लगी है और कल तक तो ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा था चार्ट पे जिसके बेसिस पे हम एंटिसिपेट कर पाए या कुछ ब्रेकआउट ऐसा कुछ भी नहीं था, तो प्योरली खबरों के बेस पे इसमें मूवमेंट आई लग रही है। और मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह का टेक्निकल स्ट्रक्चर कभी इतना कॉन्फिडेंस से आपको बाय का एक कॉन्फिडेंस दे सकता है, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज प्योरली ऑन द बेस ऑफ सम न्यूज विच हैज कम इन और उसके पीछे इसमें आया है। तो ये स्पेक्युलेटिव मूव भी हो सकती है, कुछ न्यूज आ गए हैं और अभी कुछ कंफर्मेशन आती है तो इसके पीछे वापस से जब गिरावट होगी तो भी तेज गिरावट हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि टेक्निकली ऐसे स्ट्रक्चर में ट्रेड करना नहीं चाहूंगा बिकॉज सम न्यूज इज देयर। तो कल तक तो टेक्निकल स्ट्रक्चर में कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं था, नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, अभी आगे जाके धीरे हम देखेंगे क्योंकि मार्केट का माहौल इतना अच्छा नहीं है और धीरे धीरे वीकनेस परसिस्ट होती है, तो उसके साथ मैं रिकमेंड नहीं करूंगा लॉन्ग करने के लिए। ठीक है, 63 मून टेक्नोलॉजी जिसको आप अवॉइड कीजिए, इसकी तेजी के झांसे में नहीं पड़ना है। इस बीच